नमस्कार दोस्तों, तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले कि हमारी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि मंडे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और जो हमारी मार्केट में लास्ट डे में मोमेंटम हुए हैं, यानी कि थर्सडे को हमारी मार्केट में क्या क्या मोमेंटम हुए थे, उनके पीछे का लॉजिक क्या क्या थे। तो गाइस, वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में और फिर निफ्टी के बारे में। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो हमारा है थोड़ा सा लॉन्ग बन जाए, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको ओवरऑल ट्रेंड भी बताने वाला हूं, क्योंकि हमारा वीक क्लोज हो चुका है, मंथ क्लोज हो चुका है। तो हमने यहां पे ओवरऑल ट्रेंड के बारे में एक बार चेक करना पड़ेगा कि हमारी मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्केट की अपडेट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं डेली। आपको यहाँ पे दो बार दिन में लाइव ट्रेडिंग कराई जाती है अपने साथ बिठाकर, जीरो टू हीरो। हम यहाँ पे हर दिन हर इंडेक्स में प्लान करते हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं भैया अपने मेन टॉपिक पर, कि भैया हमारी बैंक निफ्टी में मंडे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी होनी चाहिए। तो गाइस, ये मैंने जो बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ, ये मैंने लिया हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे। और वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग ध्यान दोगे, तो हमारा पिछला जो पूरा वीक है, एक तो छोटा वीक था बहुत हमारा, है ना, सिर्फ हमारी उसमें 3 दिन ही ट्रेडिंग चली थी। उसके मुकाबले में हमारा पिछला पूरा वीक बिल्कुल ही साइडवेज था, बट लास्ट दिन में हमारी मार्केट में एक मोमेंटम होता है, और उसको मैंने अपने टेलीग्राम पर डिस्कस किया ही था, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर ले जाकर दिखाऊं, तो मंथली टाइम फ्रेम पर हमारा मार्केट हमको यहाँ पर टोटली कंप्लीटली बुलिश दिखाई दे रहा है। बुलिश तो है ही है, पर साथ में वो यहाँ से एक ये प्रकार की ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है हमारा बैंक निफ्टी। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर उसको देखेंगे, तो बहुत ही अच्छे हमारा यहाँ पे बुलिश चल रहा है, और जब जब इस ट्रेंड लाइन से कनेक्ट हो रहा है, तब तब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब हमारी मार्केट में मार्च का महीना क्लोज हो चुका है, तो मार्च महीने की हमारी यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है। आने वाले टाइम में मंथली से मुझे ये लग रहा है कि हमको ये 50,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक बार यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी के अंदर गाइस आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे एक चीज दिखाई दे रही है, और जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। चीज क्या है कि हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अपने आप में ही बहुत ही अच्छे लेवल से एक ब्रेकआउट देने के लिए काफी टाइम से जूझ रहा है, और अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देता है एक दिन के टाइम फ्रेम पे, तो आने वाले टाइम में हमको हमारा मार्केट 48,500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमारा मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश ही है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां जाके देखते हैं कि हमारे भैया एक्चुअल में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कल के लिए, ठीक है। तो गाइस, एक चीज आप देखो, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पर देख रहे हो, तो मैं आप लोगों से काफी टाइम से एक चीज डिस्कस कर रहा था कि अगर हमारी बैंक निफ्टी में यहां से इस वाले जोन का ब्रेक ऊपर की साइड, या फिर हमारा बैंक निफ्टी इस वाले जोन को ब्रेक नीचे की साइड करता है, तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। होता क्या है, 27 तारीख को जब हमारा मार्केट चलता है, 28 तारीख को जब मार्केट चलता है, वो हमारा यहां से इस वाले जोन को ब्रेक करता है, और जैसे हमारा मार्केट यहां से इस वाले जोन को ब्रेक करता है, तो यहां से मार्केट में ऊपर की साइड का मोमेंटम आता है, जो कि आपका मार्केट में एक साइड में ही 450 पॉइंट प्लस में 500 पॉइंट का आपका मोमेंटम होता है। ये चीज हुई क्यों है, क्योंकि ये चीज मैं आप लोगों से काफी टाइम से डिस्कस कर रहा था कि हमारी मार्केट में ऑप्शन सेलर को ट्रैप करना पड़ेगा, अगर हमारी मार्केट को ऑप्शन बायर को पैसा देना है। ऑप्शन सेलर यहां पे बैठे हुए थे, यहां से बैठे हुए थे कॉल पुट को शॉर्ट करके, जितने दिन मार्केट यहां साइडवेज था, उतने दिन उन्होंने यहां पे ठीठा ढके का पैसा मारा, उनको पैसा मिला। बट जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट हमारा ओपन होता है, पहले ही कैंडल्स का ब्रेकआउट दे दिया, तो ये लोग यहां पे घबराए, इनको लगा डर, इन्होंने पोजीशन को काटा, तो हमारी मार्केट में यहां से मोमेंटम ऊपर की साइड का आया। अब बात ये होती है कि ये वाले जोन का तो काम मार्केट में काम हो चुका है, बट अब हमारी यहां पे मंडे के लिए क्या प्लानिंग होने वाली, क्या प्लानिंग नहीं होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये हुई है कि हमारी मार्केट की क्लोजिंग हमको 47,000 के ऊपर ही देखने के मिली है, कि हमारा मार्केट दोबारा से इस रेंज के अंदर आके क्लोज नहीं हुआ है, हमारा मार्केट इस रेंज के बाहर और इसके ऊपर ही क्लोज हुआ पड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां से हमारा प्लान क्या है। तो सबसे पहले गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जब तक हमारा मार्केट 47,000 के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक हम इसके अंदर बुलिश के लिए ही अपॉर्चुनिटीज देखने वाले हैं। कि अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है, या फिर हमारा मार्केट यहां पे 47,000 के पास ओपन होता है, तो हम लोग यहां से मार्केट में बुलिश की साइड मोमेंटम देखने वाले हैं, बुलिश की साइड मौके देखने वाले हैं। मार्केट अगर यहां से बुलिश चलेगा, तो 47,500 से पहले मुझे कोई ऐसा कोई
बेस्ट रिजेक्शन जोन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि जो मार्केट को यहाँ से नीचे लाने की कोशिश करेगा। और अगर हमारा मार्केट यहाँ से 47,000 को ब्रेक करके नीचे की साइड आता भी है तो हम लोग यहाँ से पुट की साइड जाने वाले हैं, बट इसमें हमारा पहला सपोर्ट बनेगा 46,800, फिर बनेगा 700। और 700 हमारा यहाँ पे बहुत ही बेहतर सपोर्ट है। 700 के बाद यहाँ पे गैप पेंडिंग है, फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपने गैप को फिल करने के लिए जाए। हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि मार्केट हमारा ऑल ओवर बुलिश ट्रेंड में, तो ऊपर की साइड ही भागने की कोशिश करेगा। बट ठीक है, अगर हमारा मार्केट यहाँ से 47,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है तो आपका मार्केट यहाँ पे 47,800 और 48,000 तक की मेरे को यहाँ पे लंबे टारगेट आपको ऊपर की साइड के लिए दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हमारा बैंक निफ्टी डायरेक्टली जाके ओपन हो रहा है 47,500 के नीचे, तो जब तक ये इसके नीचे ओपन हो रहा है तब तक तो हमारे लिए भैया जी कि रिजेक्शन लेवल बन के हमारे सामने आएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाएगी, रिजेक्शन मारेगी, देन नीचे की साइड आएगी, फिर यहाँ सपोर्ट लेगी। पर हो सकता है कि हमारा मार्केट यहाँ पे पूरे दिन इसी रेंज में ही घूमता रहे, बट जहाँ घूमेगा आपको पैसा मिल जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि भैया आप सबको पता है कि ट्यूजडे वाले दिन आपका भैया फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, और फिर निफ्टी के बारे में बात करते हैं पहले, फिर करेंगे निफ्टी के बारे में बात, क्योंकि जो जो हमारे इंडेक्स एक्सपायरी के नियर में पहुंचते हैं तो वहां पे हमको मार्केट में काम करने में मजा आता है, क्योंकि भैया वहां पे हमको एक उसमें पैसा बनाने का मौका मिलता है, क्योंकि हमको वहां पे प्रीमियम हमारे सस्ते होते हैं और हमको वो वहां पे अच्छे तरीके से फॉलो कर पाते हैं। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात एक ये हुई है कि इसकी भी क्लोजिंग हमको यहाँ पे 21,000 के लेवल के आसपास ही देखने के लिए मिली है, उसके पास ही है, ना तो उसके ऊपर ही ना नीचे ही है, उसी के पास है। अब खुलने वाली बात यह है कि अगर हमारा फिर निफ्टी यहाँ से 21,000 के ऊपर ऊपर घूम रहा है तो मैं इसको बुलिश ही मानूंगा। 21,160 और 21,200 के हमको इसमें ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड निकलता है तो। बट अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो भैया जी 20,950 के आसपास मेरे को बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ देखो कि हमारी फिर निफ्टी ने यहाँ पे किस प्रकार से सपोर्ट फाइंड किया हुआ है। उससे भी नीचे आता है फिर तो आपको साफ साफ रेंज दिखाई दे रही है कि क्या बेहतरीन आपके पास रेंज है। कोशिश करना कि ये भी यहाँ से बुलिश की साइड जाए। एक चीज देखोगे निफ्टी, सॉरी आपका बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों हमारे यहाँ पे एक चार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। इसके अंदर भी जो आपको अच्छे अच्छे लेवल दिखाई दे रहे हैं, रिजेक्शन लेवल दिखाई दे रहे हैं, वो आपको भैया इसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे ऊपर की साइड के देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो देखना आपका जैसे यहाँ पे काम करेगा वैसे हम इसके अंदर काम करेंगे और ये कोशिश करेगा कि हमारा जो भैया फिर निफ्टी है यहाँ से ऊपर की साइड जाए। और अगर आप लोग देखोगे तो फिर निफ्टी हमारे यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से इस वाले लेवल से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो आने वाली एक्सपायरी हमको फिर निफ्टी की थोड़ी सी ट्रेंडिंग देखने के लिए भी मिल सकती है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये भी फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। हालांकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है बट जरूरी है भाई इतने 3 दिन के बाद अब आप मार्केट में काम करोगे तो थोड़ा सा मार्केट को समझ लो कि मार्केट में करना क्या है। हमारा जो निफ्टी है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़्यादा है बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले। देखो यहाँ से ने लगाया लेफ्ट शोल्डर, यहाँ लगाया राइट, यहाँ लगाया हेड, ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट देके फिर ये बुलिश हुआ था हमारा लास्ट वाले दिन में। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आपको ले जाकर दिखाऊँ तो अब 22,600 इसका एक ऑल टाइम हाई का लेवल है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन लेवल है, तो ये अपने आप यहाँ पे हमारे लिए रिजेक्शन बन के आएगा। एग्जैक्टली 15 मिनट में जाके देखते हैं कि भैया हमारा निफ्टी 50 के अंदर क्या प्लान होने वाला है, क्या प्लान नहीं होने वाला है। ज़्यादा टाइम मैं आपका यहाँ पे और नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है हमारा, बट कोई दिक्कत वाली बात गाइस यहाँ पे है नहीं। तो ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देखिए हमारा निफ्टी यहाँ से चला है, यहाँ से निफ्टी के अंदर बायर एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। अब हमारी निफ्टी ने यहाँ से खाएं रिजेक्शन, ऑलरेडी हमारा निफ्टी यहाँ से खा चुका है रिजेक्शन। अब देखने वाली बात ये है कि 22,000 के ऊपर ऊपर हमारा निफ्टी कर रहा है ट्रेड, 22,500 के लेवल से ऑलमोस्ट हमारा खा रहा है रिजेक्शन। साइकोलॉजिकल नंबर है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि अगर हमारा निफ्टी यहाँ से इस वाली जोन के ऊपर 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 होता है तो हम लोग यहाँ से बुलिश ही देखने वाले हैं। हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड इस वाले लेवल के अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और अगर ये यहाँ से नीचे भी आएगा तो सपोर्ट आपका यहाँ पे 22,200 का है ही है, क्योंकि मार्केट हमारा यहाँ से काफ़ी टाइम से पहले से भी रिजेक्शन खाता हुआ रहा ही है। बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको मार्केट के बारे में सारे के सारे अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके जरूर जाओ, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय।